तो आज से हम पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन। लेकिन इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म से पे पहुंचने से पहले हमें कुछ और चीजों के फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें जानने पड़ेंगे। मैं लास्ट क्लास में तीन चार क्लास पहले डिस्कस किया था इंपल्स फंक्शन। किसी को याद है इंपल्स फंक्शन? कोई बताएंगे व्हाट इज इंपल्स फंक्शन? इंपल्स फंक्शन क्या होता है? एनीवन? इंपल्स फंक्शन इसको रिप्रेजेंट किससे करते थे? डेल्टी से, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एनीवन व्हाट इज इंपल्स फंक्शन? सुनील, व्हाट इज इंपल्स फंक्शन? अब इसका लिस्ट फाइंड करिए सभी लोग, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स फंक्शन क्या निकलेगा। इंपल्स फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग फाइंड करके बताइए। किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? रुचि, रुचि व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म? किसी फंक्शन एक्स टी है, फंक्शन एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? रुचि, माइनस वाई जो उसका रेंज हो। एक्स टी इंटू माइनस थ्री ओमेगा नॉट टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमारा हमें निकालना है इंटीग्रल और ये फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंपल्स फंक्शन का। ये क्या होगा, यहाँ पे आप इंपल्स फंक्शन का ये पुट कर दीजिए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी, डेल टी इंटू ई के पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डी टी, ये हो जाएगा। बस हमने अभी हमें निकालना है डेल्टी का ये फॉरियर ट्रांसफॉर्म, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? कोई बताएंगे ये इसे हम आप सॉल्व कैसे करेंगे, इस फॉरियर इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने फॉरियर ट्रांसफॉर्म का एक प्रॉपर्टी बताया था, मैंने इंपल्स फंक्शन का, याद है किसी को? एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी था, इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ ये इंपल्स फंक्शन, याद है किसी को? सुनील, व्हाट इज इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ये इंपल्स फंक्शन? पिछला आप लोग सभी चीज भूल जाते हैं, है ना? यहाँ पे देखिए एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या होती थी, ये अगर ऐसा फंक्शन हो इंटीग्रल डेल टी माइनस टी नॉट इन टू एफ टी, तो इसका आंसर क्या होता था? एफ टी नॉट, ये याद है, ये याद है। यहाँ पे हम क्या करते थे, जो टी नॉट हमारा आता था वो कहाँ पुट कर देते थे? एफ टी में पुट कर देते थे, ओके। टी नॉट को हम क्या पुट कर देते थे? एफ टी में पुट कर देते थे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। टी नॉट हम क्या, ये हमारे लिए क्या है? एफ टी है, सपोज करिए, तो टी नॉट को कहाँ पुट कर देंगे? एफ टी में पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी हमारे पास? P
पी नॉट जीरो हो जाएगा। जीरो कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे टी के वैल्यू को जीरो डालेंगे तो क्या होगा, ई पे पावर जीरो वन। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट? मैंने अभी क्या किया है, बस इंपल्स फंक्शन का मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स टी इंटू ई पे पावर माइनस जे ओमेगा टी, और ये इंपल्स फंक्शन का क्या है, एक प्रॉपर्टी है, वो इंटीग्रल प्रॉपर्टी टी माइनस टी नॉट है, तो एफ टी नॉट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा टी नॉट का वैल्यू जीरो है, ये जीरो चला जाएगा, यहाँ पे ये हो गया वन। इसमें डाउट किसी को, एफ ओमेगा में डाउट? बस मैंने हमने प्रॉपर्टी यूज किया है यहाँ पे, ये चीज क्लियर है? बताइए वन कैसे हुआ। मुस्कान, मुस्कान ये चीज क्लियर है अभी? चलिए किस, संजीत, 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 चलिए ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिए कि एफ ओमेगा जो है, अगर हम लोग किसका निकाले, इंपल्स का, तो क्या होता है वन। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए अभी, ठीक। ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म था, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी क्या निकला, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी हमारा निकला क्या, वन। अभी यहाँ पे होता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये हालांकि हमें आगे पढ़ना है लेकिन अभी उसका कुछ यूज यहाँ पे पढ़ने वाला है, वो ये है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक्स टी से क्या निकालते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक्स टी से निकालते हैं एक्स ओमेगा, और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम निकालते हैं एक्स ओमेगा से एक्स टी, एक्स ओमेगा से निकालते हैं एक्स टी, ओके। जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो है एक्स टी स्मॉल एक्स टी इक्वल टू वन बाय टू पाई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं ई के पावर जे ओमेगा टी, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं ई के पावर जे ओमेगा टी, और इसको इंटीग्रल होता है इसका पॉइंट डी ओमेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला है वन बाई टू पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा ई पे पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ठीक है। अब एक्स टी, अब हम निकालते हैं, चलिए इम्पल्स किसका निकालते हैं, इम्पल्स हम निकालते हैं अभी डेल फंक्शन का, डेल मतलब सॉरी इनवर्स फोरियर निकालते हैं डेल फंक्शन का, इंपल्स फंक्शन का, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टू पाई फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये हो गया हमारा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी यहाँ पे हम कर रहे हैं, हम इंपल्स फंक्शन का निकाल रहे हैं डेल, इनवर्स निकाल रहे हैं किसका, डेल फंक्शन का। ये थोड़ा टफ लग सकता है अभी आपको, अब फिर से आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बताने वाला हूं। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इनवर्स किसका, डेल फंक्शन का, इनवर्स है डेल फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम वो इंपल्स प्रॉपर्टी की यूज करेंगे, तो ये हमारा एक पार्ट क्या हो जाएगा वन बाई टू पाई, और ये क्या हो जाएगा संजीत, ये होल फंक्शन वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी नॉट का वैल्यू क्या है जीरो है, तो ये हो गया हमारा
वन, ठीक है, और ये हमारा है फोरियर इनवर्स डेल टी, मतलब ये हम किसका निकाल रहे हैं अभी, डेल ओमेगा का ये फोरियर ये है हमारा, ये चीज समझ रहे हैं आप लोग, इनवर्स किया हमने वन बाय टू पाई इंटू वन कैसे आया, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो डेल ओमेगा होता है ये क्या होता है, ये अगर एफ इनवर्स इधर है इधर चला गया तो क्या हो गया, एफ वन बाय टू पाई, मतलब जो डेल ओमेगा का आपका इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, डेल ओमेगा का इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल रहा है, वन बाय टू पाई। ये थोड़ा क्लियर है आपको या मैं इसे फिर से बताऊं, चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं, एक मिनट। ये हमारा अभी कर रहे हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ इनवर्स जो होता है किसी फंक्शन का लेते हैं, सपोज करिए एक्स का हमने लिया है, एक्स ओमेगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो होता है वन बाई टू पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा इंटू ई के पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ये इसका आपका क्या है प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला है, ओके। एफ इनवर्स हमें निकालना है किसी भी फंक्शन का, वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब हम एफ इनवर्स किसका निकाल रहे हैं, डेल फंक्शन का निकाल रहे हैं, डेल ओमेगा का, ये हो जाएगा वन बाय टू पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये है हमारा एक्स ओमेगा क्या है डेल ओमेगा e के पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ओके। ये होल पार्ट हो गया वन, कैसे हुआ ये मैं बता चुका हूं, ये होल पार्ट हो गया आपका वन, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ डेल ओमेगा इक्वल टू वन बाई टू पाई। अभी क्लियर है आपको एफ इनवर्स ऑफ डेल ओमेगा क्या होता है, वन बाई टू पाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या, इधर एफ इनवर्स है उधर चला गया तो क्या हो गया, एफ हो गया, ये हो गया डेल ओमेगा इक्वल टू एफ ऑफ वन बाई टू पाई, ठीक। मतलब यहाँ पे डेल ओमेगा और ये, मतलब इसको अगर आप इधर लाइएगा तो आप लिख सकते हैं टू पाई डेल ओमेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, टू पाई डेल ओमेगा किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये थोड़ा क्लियर है अभी आपको, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा टफ आपको समझने में लग सकता है, लेकिन ये अगर आप लोग खुद से समझने की कोशिश करिएगा ना, खुद से आप अपने पेन पेपर में बनाइएगा तो आपको खुद ये बहुत आसान है। हाँ संजीव, आया हमारा एफ ऑफ वन बाई टू पाई फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन बाई टू पाई कितना हमने निकाल लिया, डेल ओमेगा, ओके संजीव, ठीक है। बस इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, अब वन और टू पाई डेल ओमेगा क्या हो गया, फॉरियर ट्रांसफॉर्म का पेयर हो गया, वन और टू पाई डेल ओमेगा क्या हो गया, फॉरियर ट्रांसफॉर्म के पेयर हो गया। तो आपसे पूछा जाए वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा,
तो वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा टू पाई डेल ओमेगा। ओके अभी अभी एक्चुअली हमें पहुंचना कहाँ है, हमें साइन कोसाइन पे पहुंचना है, तो ये सारे स्टेप हैं, ये स्टेप होते हुए हम साइन कोसाइन पे पहुंचेंगे। ठीक है, अभी आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग ये निकालते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म से निकालने से पहले हम एक और निकालेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, सपोज करिए ये शिफ्टेड वर्सन है। शिफ्टेड वर्सन मतलब उसमें हमने शिफ्ट किया है, शिफ्ट किया है क्या, डेल ये कोई फंक्शन है, ये शिफ्टिंग मैं बता चुका हूं ना, जैसे यू ऑफ टी है तो यू ऑफ टी माइनस टू निकाल सकते हैं, यू ऑफ टू माइनस टी माइनस थ्री निकाल सकते हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट निकालना है हमें। ये क्या होगा, इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा, ये चीज अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं शिफ्टेड इम्पल्स का, ये इम्पल्स है ओमेगा से ये शिफ्ट हो चुका है, तो इसका ये निकल रहा है क्या, इसमें ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू एफ टी है, तो ये ओमेगा नॉट यहाँ पे पुट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है थोड़ी, ओमेगा नॉट कुछ भी हो सकता है संजीव, सुनील ओमेगा नॉट एक कोई फंक्शन, सुनील ओमेगा नॉट कोई एक फंक्शन है, ठीक है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब शिफ्टेड भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव शिफ्ट भी हो सकता है, ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है ओमेगा नॉट, ये निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओमेगा नॉट बेसिकली ये होता है, सेकेंड इम्पल्स जीरो पे होता है, ये से हम लोग लिखते हैं डेल टी सपोज करिए, अब आपको लिखना डेल टी माइनस टू, तो इसको कैसे लिखिएगा सुनील, यहाँ चला जाएगा, यही रहेगा डेल टी प्लस टू, तो यहाँ आ जाएगा, है ना, वही ये मतलब उसमें कोई भी मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है सुनील, निगेटिव भी हो सकता है। ये क्या हो गया हमारा शिफ्टेड हो गया, ये किसका आपका निकला है अभी डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का, ये किसका आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का। ये चीज क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग, ये कैसे हुआ, ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं थोड़ा, एक बोर्ड पूरा विजिबल है सभी लोगों को, इसको थोड़ा आप लोग रियलाइज करिए, मैं सेम चीज को अभी अभी जस्ट मैं दोबारा बताऊंगा, सेम चीज को मैं दोबारा बताऊंगा तब ज्यादा क्लियर हो पाएगा, बस अभी इसको रियलाइज करने की कोशिश करिए, इसका वैल्यू ये होता है, तो इसी को क्या क्या संजीत सुनील संजीत, हाँ हाँ ओमेगा नॉट से शिफ्ट हो रहा है तब आपको आपको क्या मिल रहा है संजीत, जब हमने इसे ओमेगा नॉट से शिफ्ट नहीं किया था, जब ये केवल ओमेगा नॉट था तब ये वन आ रहा था, ये वैल्यू वन आ रहा था संजीत, अभी हमने क्या किया,
हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल पावर से मल्टीप्लाई होती आ रहा है। ओके ठीक है, अभी देखिए, अभी इसको इसको एक और स्टेप हम लिख सकते हैं, पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये किसका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, टू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये हो सकता है इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो इस टू पाई को इधर ले गए हम और उसका पेयर ये बन गया, ये पर रियलाइज हो रहा है। चलिए मैं फिर से कर रहा हूँ, अभी आप लोग को इसमें बहुत ज्यादा डाउट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये करना थोड़ा टफ है, मुश्किल है ये ठीक से समझना। मैं फिर से बताता हूँ अभी आपको, हमारे पास एक शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन है डेल, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, हमारे पास एक फंक्शन है शिफ्टेड फंक्शन, वो है डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अभी हमें क्या निकालना है, हम x इनवर्स x ऑफ ओमेगा का हम क्या प्रॉपर्टी सॉरी क्या फॉर्मूला निकाल चुके हैं, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ऑफ ओमेगा टू के पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें हम अब किसका निकाल रहे हैं, एफ इनवर्स हम किसका निकाल रहे हैं, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का, एफ इनवर्स किसका निकाल रहे हैं, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ओके, बस हम उसके फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं, एक्स ओमेगा हमारे पास क्या है, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, इसका फॉर्मूला हो गया 1/2 पाई पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये हो गया फॉर्मूला, हमने ओमेगा नॉट को यहां पुट कर दिया है। ओके ठीक है, तो हमारा एफ इनवर्स क्या निकला, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का एफ इनवर्स हमें ये निकला 1/2 पाई ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी डी टी। ये थोड़ा आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, बस अगला स्टेप हमने क्या कर दिया है, देखिए एफ इनवर्स जो निकला ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर हैं, एफ टी पी इसको बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। अभी देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इधर ले आएंगे 2π को, तो ये हो जाएगा 2π डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या होगा, ई के पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये थोड़ा क्लियर हुआ अभी संजीत, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, इसको अभी हम ऊपर फिर से लिखते हैं, ये थोड़ा थोड़ा ये है लेक्चर, क्या बोलते हैं, ये चीज थोड़ा क्लियर है, कैसे हमने डिले करवाया है और वो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर कैसे बना, ठीक है। अब बस यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे, संजीत बताइए
ई पे पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी का क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर निकलेगा? 2 पाई इंटू, यहाँ पे देखिए ओमेगा नॉट टी है तो माइनस किया है हमने, यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट टी है तो क्या आएगा संजीत? रुचि, रुचि हाँ, 2 पाई डेल ओमेगा प्लस, रुचि ये चीज क्लियर है थोड़ा बहुत? रुचि ये क्लियर, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? इस दोनों को हम बस ऐड कर रहे हैं तो ये चीज इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है कि नहीं? इस दोनों को हमने ऐड कर दिया तो दिस प्लस दिस, ओके सुनील, सुनील इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? क्या याद आ रहा है? किसका? क्या बोलिए? यूनस आइडेंटिटी में ये क्या होता है? सारे लोग यूलर्स आइडेंटिटी रिवाइज करिए, आइए किसका फॉर्मूला होता है बताइए? कॉस का ये, हाँ तो इस 2 को आप यहाँ ले आइएगा, इस 2 को ये कॉस का हो गया तो आप बताइए कॉस ओमेगा नॉट है दोनों जगह तो यहाँ भी रहेगा कॉस ओमेगा नॉट टी, तब फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ये चीज क्लियर है कि अभी बस ये यूलर्स आइडेंटिटी होता था कॉस का, तो 2 इधर हमने ले आया तो ये कॉस बन गया, कॉस का ये क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म। रुचि, मुस्कान ये क्लियर है थोड़ा? इसको थोड़ा ये है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है मतलब, लेकिन आप खुद से इसको ट्राई करिएगा ना, जैसे मैंने तो बताया तो आप लोग मुझे रेसिप्रोकेट कर रहे थे, आप खुद से पेन पेपर पे ट्राई करिए, डेल ओमेगा का निकालिए पल्स, फिर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का आप निकालिए IFT, फिर एक्सपोनेंशियल कैसे आया फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, फिर दोनों को ऐड करिए, फिर कॉस का निकलेगा हमें यहां से, तो कॉस का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकला? इम्पल्स के फॉर्म में निकला है, एक पॉजिटिव पे मिला है, एक हमें क्या मिल रहा है? निगेटिव है, तो ये क्या हुआ? कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लिए क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है। तो जब भी हमें कॉस का, अब इसका मतलब क्या हो रहा है ये देखिए, इसका मैं फिजिकल एक्सप्लेनेशन आपको ये बताता हूं। सपोज करिए कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट है, ये प्लस ओमेगा नॉट है, सपोज ये कॉस का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, यहाँ से आगे बढ़ते जाता है, इधर पीछे बढ़ते जाता है, हम लोग इसका क्लियर लिए हैं, ठीक, इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिल रहा है? इम्पल्स फंक्शन मिल रहा है। वो क्या हो रहा है? ये सपोज करिए हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन है, यहाँ पे ओमेगा नॉट है, यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट है, और वो क्या हो जा रहा है? एक हमें इम्पल्स माइनस ओमेगा नॉट पे मिल रहा है, एक इम्पल्स प्लस ओमेगा नॉट पे मिल रहा है। इस इम्पल्स का मैग्नीट्यूड कितना है सुनील? नहीं, मैग्नी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हाइट, वो कौन से
से मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई था पाई से, आगे बाहर पाई था ना, पाई इसका ये था। तो जब भी हम लोग करते हैं कोसाइन का, तो हमें क्या मिलता है, कोसाइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है इम्पल्स और उसका एक शिफ्टेड वर्सन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक निगेटिव डायरेक्शन में है, और ये शिफ्टेड है कौन सी अमाउंट से, जैसे ये आपका अभी जब आप कम्युनिकेशन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है फिफ्थ सेमेस्टर में या फोर्थ सेम में, तो कम्युनिकेशन में आप मॉड्यूलेशन याद है किसी को, मॉड्यूलेशन में क्या करते थे हम लोग, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी होता था मॉड्यूलेटिंग या मैसेज फ्रीक्वेंसी, याद है, कोई बताइए, कोई बताइए, संजीत बताइए क्या था वहां पे मॉड्यूलेशन का मतलब, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सपोज करिए ये क्या है ओमेगा नॉट, ये कोई बहुत बड़ा वैल्यू ये आपका गीगा हर्ट्स में, सपोज करिए 10^6 है ये, ओके ऐसा आपको फ्रिक्वेंसी मिला प्लस माइनस 10^6 और प्लस 10^6, और कोई एक मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल क्या होता है ना, वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, सपोज करिए इसको ओमेगा नॉट की बजाय ओमेगा सी लिख देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी, अभी क्या है, अब हम कोई मैसेज सिग्नल लेते हैं, सपोज करिए ये हमारा मैसेज सिग्नल है, इसका रेंज है माइनस ओमेगा एम से प्लस ओमेगा एम तक, ठीक, अभी क्या हो रहा है हम लोग इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ओमेगा सी यहाँ पे है, ओमेगा सी ये हमारा हो जाएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये हमारा हो जाएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, सेम हमारा निगेटिव डायरेक्शन में भी मिलेगा, समझे, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी, यूएसबी का मतलब वेरी गुड, तो अपर साइड बैंड में कौन सा फ्रीक्वेंसी रहता है ओमेगा सी से लेके ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये जो पार्ट है ये हमारा है एलएसबी, एलएसबी मतलब लोअर साइड बैंड, देखिए ओमेगा टी माइनस ओमेगा एम तक रहता है, तो मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट यही है, मॉड्यूलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर मैसेज फ्रीक्वेंसी को सुपर इम्पोज करके दूसरे जगह तक भेजा जाए, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग कॉस सिग्नल वहां भी कैरियर सिग्नल लेते हैं और उसको सुपर इम्पोज करते हैं, ओके ये हमारा कम्युनिकेशन का ये एक्चुअली क्या होना चाहिए ना, पहले सिग्नल सिस्टम पढ़ाई होना चाहिए फिर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, लेकिन आप लोग को थोड़ा उल्टा कर दिया गया है, पहले कम्युनिकेशन है फिर सिग्नल है, खैर ये समझे ना, अभी अभी हमारा कॉस का क्या निकलता है, कॉस ओमेगा नॉट टी का क्या निकला रुचि, फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या है कॉस ओमेगा नॉट टी का, पाई हो गया, और आप लोग के लिए असाइनमेंट है आप लोग बना के लगिएगा साइन ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है ये इसका पेयर क्या निकलेगा,
और दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं तो हम लोग साइन सिग्नल क्यों नहीं यूज करते हैं। अगर आप लोग को ध्यान होगा पिछला सेमेस्टर तो आप लोग देखिएगा वहां पे कैरियर सिग्नल जो भी होता है ना कॉस के टर्म में होता है, ठीक है, तो वहां पे कैरियर सिग्नल हम लोग साइन क्यों नहीं लेते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है? कैरियर सिग्नल साइन क्यों नहीं देते हैं, और आपको साइन ओमेगा नॉट टी का निकालना है। साइन ओमेगा नॉट टी का भी वैसे ही निकलेगा, इसको यूलर्स आइडेंटिटी पे ब्रेक करिए और एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर निकालिए। ओके, चलिए तो इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग बना के लाइए और इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको दिमाग में अभी अच्छे से नहीं बैठा होगा, तो ये चीज नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस होगी और इसका आप लोग कोशिश करिए बनाने का। बना तो ठीक है, नहीं तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, थोड़ा पिछला क्लास का एक दो क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। रुचि रुचि डीएमआरसी का नाम सुनी है? डीएमआरसी, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेल को। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे, बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। सुनील तभी कोई क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले क्लासेस में। रुचि आंसर, मैं एक हिंट देता हूं, हिंट ये है कि आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं है। संजीत, सुनील, मनी लग रहा है, रुचि बताइएगा आंसर। आपको इसका आंसर निकालना है, इसका 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 फॉर्मूला आंसर क्या होगा, इसका ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा। संजीत, रुचि, वन कैसे, क्योंकि हम देख चुके थे अगर कोई फंक्शन हो माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल टी माइनस टी नॉट डी टी, ये कोई फंक्शन हो हमारे पास तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, एफ टी नॉट, इसका होता था एफ टी नॉट। यहाँ पे टी नॉट का वैल्यू क्या है सुनील, सुनील बाबू इस क्वेश्चन में टी नॉट का वैल्यू क्या है? जीरो, यहाँ पे टी नॉट है जीरो, तो ये जीरो कहाँ पुट होगा, टी में पुट कर देंगे तो क्या होगा, जीरो स्क्वायर ये, समझे, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। पिछला कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज करिए और पिछले क्वेश्चन, मतलब एक दिन मैं क्या करता हूँ, एक दिन केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन को दिखलाता हूँ, डीएमआरसी के गेट के जो आप लोग के अब तक पढ़ चुके हैं आप लोग, एक दिन पूरा टाइम उस पे देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए चलिए, तो आप लोग साइन वाला वो निकालिएगा, साइन का जो मैंने दिया है। और एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि हम लोग क्यों कैरियर मतलब मॉड्यूलेशन में कोसाइन का यूज करते हैं, ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे। आज बहुत कम लोग ज्वाइन ही किए हैं, तीन ही लोग ज्वाइन किए हैं,
तो नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस होगा। ओके चलिए कंक्लूड करते हैं क्लास। थैंक यू एवरीवन।